भाई यहाँ पे भी प्रॉपर हम पंचायत लगाएंगे, पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, इंक्वायरी होगी प्रॉपर किस हुआ। आराम से दिखा दो अपना प्यारा सा मुखड़ा, घूंघट हटाइए। काफी लोगों के यार कमेंट्स आ रहे थे कि यार आपने पासपोर्ट्स तो बनवा लिए, कहीं जाना भी है कि घर में ही रखना है सिर्फ। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इतना ज्यादा नहीं खाना था, एक एक करके थोड़ा थोड़ा खाते हैं, आराम आराम से खाया करो। और तुम देखो ना, तुम ही मोटे होते जा रहे हो, तुम भी जिम करना स्टार्ट कर दो मेरी तरह, ठीक है? ठीक हो गया, समझ आ गया। हाँ यार, हाँ मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो, मुझे बिल्कुल आइडिया इस बात का, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं डाला, 20 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला। वो एयरप्लेन वाला मैंने डाला था, उसके बाद मैं ऐसे हवा में उड़ा के भाई नीचे ही नहीं आया, मतलब कि अपलोड ही नहीं किया कोई व्लॉग, मेरी तबीयत सही नहीं थी जिसकी वजह से मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सका। तो प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कर लें और मेरी बात को समझ लें। यार हमारी गाड़ी का हाल देखे यार, क्या हो गया बेचारी यार, टुंडी मंडी हो गई, उसके टायर को कुछ हो गया था जो कि फट गया था, सारा फट गया था। तो फिर कोई मान क्यों नहीं रहा, 4-5 बंदे चलाने वाले हैं, कोई नहीं मान रहा, मैं भी नहीं मान रहा कि मुझसे हुआ है, तो किसी ने ये भी नहीं मान रहा यार। तो अभी हमने क्या किया, इसको आर्जी तौर पे बना लिया है ताकि हम इसको शोरूम वाली साइड पे ले चले, टायर शॉप पे लेके चले और इसको बनवा के आए, दूसरा टायर लगवा के। यार ये मैं बताऊं आपसे ही हुआ है भाई, यहाँ पे भी प्रॉपर हम पंचायत लगाएंगे, पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, इंक्वायरी होगी प्रॉपर किस हुआ है। यार नुकसान हो गया, पूरा टायर चेंज हो रहा है यार। खैर यार बाद में देखेंगे जिससे भी हुआ है, अभी हम इसको सेट करके लेके चलते हैं और इसको टायर चेंज करवा के आते हैं। आओ भाई वॉलेट लेके जाओ, तुम्हारा नहीं अपना लेके जाओ, जाओ अपना वॉलेट लेके आओ। गाड़ी किसकी है, मेरी है, मैं चलाता हूँ, जब मैं चलाऊंगा फिर मेरी होगी। जब खर्चा करने की बारी आई है गाड़ी मेरी हो गई है, जब ये चलाएगा तो इसकी हो जाएगी। वाह सुभान अल्लाह, जो 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 हाँ मिल गया, किसका है, तुम्हारा है? नहीं है भाई मेरा, ये बच गया यार, मैंने इसी जगह कहा था यार, ढूंढ ढूंढ थक गया हूं यार, वो सिर्फ मुझे पता है तो मैं नहीं पता। अच्छा जल्दी से यार वो टायर से न्यू डलवाओ इसका, मुझे रो रहा है बेचारा। बैठ जाओ भाई, तो यार अभी आराम आराम से जा रहे हैं हम टायर शॉप पर, वहां पर टायर को चेंज कराते हैं। तो यार सारी टायर शॉप हमने देख ली है, हमारे जो गाड़ी का टायर है ना पता नहीं कितना मोटा है, समझ नहीं आ रही, किसी के पास है ही नहीं, तो हमें किसी और शहर से मंगवाना पड़ेगा, हमारे शहर से नहीं मिल रहा। चलो यार नहीं मिल जाएगा यार, उस पे चलते हैं ना जिसका अभी मैंने जिसके पास गए थे हम, अभी दोबारा एक शॉप रहती है, अगर वहां से मिल गया तो ठीक, नहीं तो घर चलते हैं, थक गए ढूंढ ढूंढ के। फाइनली यार हमें टायर मिल चुका है, काफी टाइम से ढूंढ रहे थे हम, एक टायर बड़ी मुश्किल से मिला, हमने कहा लगा दो यार जैसा भी लगा दो, अभी इसी से काम चलाएंगे हम। तो फाइनली यार टायर लग चुके हैं, अभी चलते हैं सीधा घर। नहीं क्यों, ऑफिस जाना है, मैंने अटेंडेंस लगवा, गए नहीं हो ऑफिस, ऐसे ही अटेंडेंस लगवा के तुम्हारे पास आ गया हूं। ये दो नंबर कर रहा है यार बंदा, कोई दो नंबर नहीं है, सुबह मैंने टाइम दिया है तकरीबन 2-1 घंटे तो दिए यार ऑफिस। ये कैसा ऑफिस है यार, टाइम देने जा रहे हो, कोई प्रधानमंत्री हो जाके टाइम दे रहे हो? नहीं भाई मैं बताता हूँ, शिकायत लगा दूँ तुम्हारी, जाके उधर जाके बताता हूँ मैं तुम्हारा। खैर अभी यार सीधा चलते हैं इनके वो करके, काम करके घर चलते हैं फिर। चलो भाई खराब हो गया काम, जाओ पीछे जाओ, क्यों पीछे जाओ यार, अब तो दिखाना पड़ेगा एक यार, आज मैं एक्सपोज करने लगा हूँ तुरा आपको, तुरा आपने काफी दिनों से अपना सर छुपाया हुआ ना, आज इसके सारे जो है ना पोल खोलता हूँ। दिखाओ श्याम इसको, इसका सर दिखाओ यार, देखो मैं मालूम नहीं करो। अच्छा एक मिनट आराम से दिखा दो अपना प्यारा सा मुखड़ा, एक मिनट दिखाना है, घूंघट हटाइए। ये देखिए जी, तो आपने यार हेयर ट्रांसप्लांट कराया था ना, इसका गंजपन आ गया था अभी से यार, क्या उम्र है तुम्हारी, बच्चे हो अभी छोटे, अभी से इसके यहाँ से सारा गंज हो गया था, बचपन से मेरे दियोर दर्द होता है मामू, तंग नहीं करो यार, बचपन से गिरना शुरू हो गए थे मेरे बाल, तुम्हें पता तो है सकता है भाई, हम दोनों भाई हैं, मेरे साथ भी ये हो सकता है, तो इसलिए मैंने भी एक चीज मंगवा ली है, तो आप तुम भी यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे साथ मैंने भी रखी है, ये है यार मैकले लंदन शैम्पू, ठीक है? अब तुम अभी तो नहीं कर सकते, तुम्हारे जब बाल हो जाए ना आगे फर्दर तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, हेयर लॉस जो तुम्हारा हो रहा था ना उसको कंट्रोल कर सकते हो। भाई मैंने तो अपने लिए मंगवा लिए, मेरे बाल अभी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर मेरे बाल जैसे गिर सकते हैं तो इसको ये कंट्रोल करेगा, और ये सल्फेट फ्री शैम्पू है, अभी इसको यूज भी करते हैं। तो खराब की ये वाली हालत देख कर ना मैंने ये शैम्पू मंगवाया है, तो ताकि मेरे साथ इस तरह ना हो, इस तरह गंजा ना हो जाऊं मैं और मुझे सर्जरी ना करानी पड़ जाए, तो यार ये जो है ना मेरा वॉल्यूम भी बढ़ाएगा बालों का, और मुझे ना मेरे बालों को गिरने से भी रोकेगा, जब मैं इसको 2-3 महीने यूज करूंगा ना तब, और आप भी ना इसको यूज क्या कर रहे हो, जलन हो रही है इतने बड़े बाल देख के, समझ गया
भाई मैं तो यूज करने लगा, आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, दराज पर ही अवेलेबल है, आप इसको दराज से ऑर्डर कर सकते हैं और इस पर सेल भी लगी हुई है, जल्दी से इसको ऑर्डर करें और इसको यूज करना शुरू कर दें। अभी मैं भी यार यूज करने जा रहा हूँ, नहा धो के फिर आपसे मिलता हूँ। मैं भी लगा देता हूँ यार, अभी नहीं जब तुम्हारे बाल आ जाए, सर्जरी हुई है। चलो ठीक है, मिलते हैं। तो अभी दोस्तों हम सिप्तैन के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं, मैं तो नहीं कर सकता, सिप्तैन को करते हैं भाई। अब मैं लगा रहा हूँ सिप्तैन, फिर बताना मुझे कि कैसा है। यार सही है, यूके ये इम्पोर्टेड है और अफोर्डेबल भी है। अच्छा चलो लगा दिया मैंने, जाओ नहा के आओ तुम, जाओ कर लेता हूँ ना। पानी लगाओगे तो होगा, अच्छी है यार खुशबू भी, अच्छी है। हाँ आ रही है खुशबू, बहुत प्यारी आ रही है। अच्छा मैं नहा के आता हूँ फिर। हाँ ओके, फिर सिप्तैन ने शैम्पू लगा लिया है, अब देखते हैं रिजल्ट कैसा है। जाओ भाई जल्दी जाओ। ओके बाय बाय। तो यार नहा धो के मैं फ्रेश हो चुका हूँ और मैंने ये शैम्पू यूज किया और मेरे बाल भी देख सकते हैं कितने सॉफ्ट एंड सिल्की फील हो रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और मेरी तरफ से यार ये प्रोडक्ट वेरीफाई है, आप इसको यूज कर सकते हैं और दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। चलो भाई कपड़ा डाल लेते हैं यार इसके ऊपर, क्योंकि तुराब ज्यादा बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है इसको जब ये इस तरह होती है। तो ये कहते हैं इसको ढांप के रखते हैं, दुल्हन की तरह सजा के रखते हैं और कोई चलाए भी ना इसको, हाथ भी ना लगाए, पता नहीं कैसा बंदा है यार ये। छोटे मोटे नुकसान तो यार होते रहते हैं, इस चीज को फील कर लेता है यार, पता नहीं क्या है इसका मसला। अब पता नहीं कब चलाने देगा, मुझे लगता है मुझे चलाने नहीं देगा कभी गाड़ी। खुद पहनाओ अपनी दुल्हन को, खुद सजाओ, मैं जा रहा हूँ यार। तो यार अभी वक्त हुआ है जिम जाने का, लेकिन यार रास्ता देखिए यार जहाँ से मैं जाता हूँ जिम, बड़े यार पीछे वाला गैराज हमारा बहुत ही बुरा हुआ है यहाँ पे, क्या करें इसकी सफाई करानी पड़ेगी यार, बहुत कचरा हो गया है। जिम जाने से पहले मुझे यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है यार, देखें लाइट्स ऑन लाइट्स ऑन। आप इस बकेरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि भी मैं रोज आ रहा हूँ और जिम कर रहा हूँ भाई साहब। अगर ये बिल्कुल सीक्वेंस में सब होता ना, इसका मतलब कोई नहीं आता, बस बंद पड़ा हुआ है। मैं रोज जिम आ रहा हूँ, रोज जिम कर रहा हूँ, अभी जिम का टाइम नहीं है तो मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ तभी जिम करूंगा, रात के टाइम आता हूँ। तो अभी वैसे मैं दिखाने आया था ना, काफी लोग कह रहे थे कि आप जिम करते नहीं हो, डाइट करते नहीं हो, भाई मैं कर रहा हूँ, मैं दिखा नहीं रहा ना, तो आपको मैंने बता दिया। अभी मेरी बात यकीन कर रहे हैं, मैं डाइट भी कर रहा हूँ और जिम भी कर रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा ना, ये देखिए मेरा वजन देखिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ आज मेरा कितना वजन है, 83.9 मतलब 84। जब मैंने स्टार्ट की थी ना मेरा 86 kg था, मैं देख के तो भाई डर गया था, भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, मोटा होने वाला हूँ। लेकिन भाई हिम्मत की है मैंने और आज से मैंने इसको 10 kg कम करना था, 86 है ना, मैंने करना 76-75 तक लेके आऊंगा, देखना आप 2-3 महीने के अंदर वजन कम हो जाएगा मेरा। सिप्तैन दोस्तों आजकल ना डाइटिंग कर रहा है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी डाइटिंग में होता क्या क्या है, क्या क्या ये चीजें खाता है। तो यार ये दिखाओ, मेरे मुंह नहीं खाना उन्होंने भाई, डाइटिंग में कौन खाता है ये चीजें हैं, ये प्रोटीन खा रहे हो तुम भाई, अंडे में प्रोटीन नहीं होता। मेरी बात सुनो यार, डाइट का मतलब होता है कम खाना, ये नहीं कि आप वो चीज खाओ, तली चीजें नहीं खानी चाहिए, और जो आप खाना खा रहे हो डेली रूटीन में उसको थोड़ा सा कम करना होता है, जितना कैलोरीज आपको नीड होती है उतना खानी चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या पता, आपका तो इतना बड़ा पेट है, आपको तो पता नहीं किसी चीज का, मुझे खाने दे आप जाए प्लीज। चलो यार इसको हम खाने देते हैं, आजकल ये डाइटिंग कर रहा है लेकिन सिर्फ 1 महीना करेगा फिर ये छोड़ देगा। नहीं ऐसे ही है यार सिप्तैन, 10 kg कम करके दिखाऊंगा। अच्छा मैं भी करूंगा, मैं भी डाइटिंग करूंगा भाई, ठीक है। नहीं यार मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसे ठीक हूँ। तो यार खाना वगैरह मैंने खा लिया और काफी लोगों के यार कमेंट्स आ रहे थे कि यार आपने पासपोर्ट्स तो बनवा लिए, कहीं जाना भी है कि घर में ही रखने सिर्फ। तो यार इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो कहेगा तुराब कहेगा, क्योंकि तुराब ही कहेगा कि मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कब वॉशरूम जाना है, ये यही बताएगा ये बंदा बस, और कोई काम। पासपोर्ट बना हुआ है ना, हाँ जाओ जाना जाने जाओ, अगर ऐसा है तो मैं अभी चला जाता हूँ, जाओ मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम जा सकते हो अकेले, मेरे बगैर रह नहीं सकते तुम। नहीं यार ये तुराब ही बताएगा हमें कि कहाँ जाना है और कब जाना है, मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर तुराब भाई आज कितने सालों के बाद तुराब कुकिंग कर रहे हो? जब से इसने यूट्यूब चैनल बनाया था ना उसके बाद भाई इसने आज शुरू किया कुकिंग, पहले ये सारे घर के काम करता था, झाड़ू बनाया मैक्रोनी उसके बाद अब कर रहा हूँ। मतलब एक दफा ही बनाया 3-4 सालों में यार, मतलब पहले तो सारे काम कर लेता था, ये वॉशरूम भी धो लेता था घर के और ये घर की सफाई सुथराई कुकिंग सारा यही संभालता था। तो हमने कहा यार कुछ काम कर लो, फिर इसने यूट्यूब चैनल बना ले, नहीं तो इसका कोई काम नहीं आ गए, ये शेफ होता इस टाइम, घर के सारे काम कर लेता था यार, बहुत अच्छा होता था, अब नहीं करता। यहाँ पर आपको चेंजिंग नजर आ रही होगी, ये डाइनिंग टेबल सोफा टीवी वगैरह, ये ना टीवी लाउंज बिल्कुल सेट हो गया है। मैंने जब होम टूर दिया था ना कुछ भी नहीं था घर में, तो उसके अगले दिन ही सामान आ गया, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था और घर वाले नाराज भी हो रहे थे, यार तुमने बताना तो था ना हम सामान ले लेते, सामान मतलब आ जाता फिर बना लेते, ऐसे तुमने होम टूर दे दे। तो यार मैंने क्या है आपको दिखा देता हूँ यार एक दफा, ये देखें यार डाइनिंग टेबल ये वाला सारा कुछ हो गया, ये वाला कमरा भी अभी सफाई नहीं हुई यार। खैर यार मुझे पता है आप लोग अभी तक मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल रहा, तो यार मैं बस क्या करूं यार, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं और इस दफा मैं ऐसे झूठ मूठ का ऐसे नहीं बोल दूंगा कि मैं बनाऊंगा और आऊंगा,
जब बनाऊंगा तब बताऊंगा, जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको कि मैं बनाऊंगा, तो मैंने लगातार ऐसे भी धड़ाधड़ ब्लॉग्स डाले थे। अभी मैं ये नहीं बोल रहा, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बता दूंगा कि मैं रोज आ रहा हूं कि नहीं आ रहा। मेन वजह ये है ब्लॉग ना डलवाने की, बस इसको पकड़े आप, इसको गुस्सा करें, मुझे गुस्सा ना किया करें, सीधा है। खुद का मूड नहीं होता, बस कर दो यार, मूड की बात नहीं होती। अब सारा दिन इसके साथ कुत्ते बिल्लों में लगे रहे बंदा, फिर उसके बाद इधर कैसे तमीज से बोलू, कुत्ते बिल्लों को क्या बोलू जनाब, डॉग जनाब कैट मोहतरमा बिल्ली साहिबा जनाब हमारे प्यारे ऐश साहिब प्रधानमंत्री। खैर यार आप समझ गए होंगे कि किसकी गलती है, मेरी गलती नहीं, इसी की गलती है। तो यार ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। बन गया, जल्दी बनाओ यार, भूख लग रही है यार। ये आपका नहीं है, आपका नहीं है ये।